मित्रों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो नज़ारा है ये साढ़े राम महादेव जी का, जहाँ पर हमारे सब साथियों ने चाय नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ता हो रहा है, ये देखिए सुबह सुबह का नाश्ता। लो लो, तो चाय नाश्ता साढ़े राम की, ये महादेव का स्थान है साढ़े राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओहो हाँ, आ रहा ना आपका भी भाई। शांतिलाल ने भी नाश्ता कर लिया और अब अगले बाली निकलने वाले हैं, नाश्ता कर देंगे। बाली जल्द जा रहे हो, ये मेरा दोस्त, छोटा दोस्त, ये भी साथ में। मत गाली तो फोटो जाना है, तनवी की फोटो ना जा। सुबह सुबह का दृश्य मन भावुक होता है, बाकी सब आप बाल देखो। तनवी की फोटो में गास्ट का ध्यान आए, तनवी की फोटो, तनवी अकान ने देखो, हे तनवी, ये देखो, देखो अमृता को देखो, तनवी चलिए और आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं और ये सोनी धर्मशाला है सांडे राम में, जिसमें हम रात्रि विश्राम किया था। और ये सांडे राव के हमारे धर्मशाला के चौकीदार जी, नाम क्या आपका? किशाराम जी। किशाराम जी, जाति कहीं है? कुमावत। तो किशाराम जी कुमावत है, यहाँ पूरा चौकीदारी करते हैं इसकी पूरी। और रामकरण जी तैयार हो रहे हैं, आइए। बिल्कुल तैयार हूँ, सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेह कानून आप लोगों के लिए ला रहे हैं और ये जवाबदेह कानून तब आएगा, सभी लोगों का फायदा होगा। और आप लोगों के लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बैठ रहा था बार पेड़ी दर में, ये धर्म, ये जो जवाबदेह यात्रा है, ये सभी जनहित में है, जनहित में सबके लिए। पेंशन मिले आपको? तो साथियों ये था जहाँ पर रात्रि विश्राम किया था, ये पूरा कक्ष बने हुए हैं। तो अब हमारी बस जो है, मैं बार बता रहा हूँ, बस भी जाने वाली है। ये धर्मशाला है, शिरोई के है। और देखिए कितनी मेहनत से विनीत जी ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद इस सामान को उसमें डालना है। ये सामान हमारे शंकरलाल जी का है, तो मित्रों सांडे राव की इस स्थान पे आए हैं, सांडे राव महादेव का ये पूरा स्थान है। और मेरे साथ में ज़्यादा बात करने के लिए बेरूलाल जी है, क्योंकि इन्होंने बहुत निरीक्षण किया है यहाँ पे। क्या निरीक्षण किया और क्या देखा आपने, कौन सा मंदिर है? ये है सांडे राव पालिका जो गांव है उसमें निम्बेश्वर महादेव है। अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हम गए थे दर्शन करने, हमारे साथी जीवनलाल जी और हम, और हाँ दर्शन करे उसमें, सारी जो मतलब पुरानी जो शिलालेख है उनको भी हमने ध्यानपूर्वक देखा। तो बहुत ऐतिहासिक मतलब महादेव जी का मंदिर अपन कह सकते हैं। कुछ साथी से हमने जानकारी भी ली इस महादेव जी के बारे में, उन्होंने बताया कि ये सांडे राव जो गांव है, इस गांव में मतलब एक रेबारी जाति का मतलब जो गाय सराने वाला था, वो इस इलाके के जो ठिकाने के राजपूत थे, उनके ठिकानेदार थे, उनकी गाय को चराता था। ये सामने जो आपको दिख रहे इस पहाड़ों में मतलब वो चराने जाता था, और जब वो गाय इस पहाड़ में मतलब सरक चारा घास वगैरह चर करके वापिस इधर जो ये भी महादेव जी का स्थान है इस जगह मतलब वहाँ से ऑटोमेटिक मतलब आ जाती है। और वो यहाँ एक खेजड़ी का पेड़ भी है जो महादेव जी की जो प्रतिमा है उसके सामने ही, तो
तो उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही मतलब वो ऑटोमेटिक उसका मतलब दूध है वो मतलब उस महादेव के ऊपर मतलब निकलता था और वो मतलब जो महादेव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर वो होता था। तो साथियों ने बताया और उसके आधार पे फिर ठाकुर जी को पता चला कि भाई गाय का दूध मतलब जाता कहाँ है। तो फिर वो जो गाय चराने वाला रेबाड़ी जो था उसका नाम था निम्बाराम। तो निम्बाराम को पूछा और थोड़ा धमकाया तो निम्बाराम ने कहा कि बाजी उसका पता मैं करके फिर आपको बताऊं कि रोज़ का रोज़ ये गाय का दूध मतलब जाता कहाँ है। तो उसको लेकर के ना फिर दूसरे दिन वो जैसे ही गाय आई तो गाय के पीछे पीछे वो गाय चराने वाला निम्बाराम था वो पीछे पीछे आया और वो चुपके से देख रहा था। तो गाय का गाय का अभिषेक हो रहा था। हाँ, दूध का जो मतलब तो साथियों कहने का मतलब इनका भैरूलाल जी का ये है कि बहुत पहले एक प्राचीन कहानी है कि इस पहाड़ों में एक गवई जो गौशाला है गऊ चराया करता था कोई ऐसा व्यक्ति था महान और गऊ इस पहाड़ों में चराया करता था और गायें जो है हमेशा नीचे आकर महादेव जी के स्थान पर उनके दूध का अभिषेक कर दिया करती थी और एक दिन किसी ने उसको देख लिया उसी समय से इस प्राचीन जो मंदिर है यहाँ का उसी रायकाल रेबारी जी के नाम से ही निम्बेश्वर महादेव नाम पड़ा। तो उन्हीं के नाम से मतलब वर्षा भी हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ में परमाराम जी है। परमाराम जी आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे फेसबुक पेज पे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सांडे राव की शादी में? वेरी नाइस सर, मैं गया था मंदिर, तस्वीरें भी लाया उसे खींच के। क्या आप वो तस्वीरें हमें देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या वो वीडियो हमें देंगे? वीडियो नहीं बनाया, मंदिर परिसर के अंदर फोटो वीडियो ये सेल्फी लेना बिल्कुल मना था। तो हमने उस बोर्ड के जो नियम लिखे थे उसकी पालना की थी, हमने बाहर से फोटो खींचे और पुजारी पूजा करने व्यस्त थे तो हमने वहाँ से ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। वहाँ से दर्शन करके महादेव जी के वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी था, वो एक माता जी का मंदिर था, उसमें आरती हो रही थी। किस तरह पे ये मंदिर बना? ये मंदिर मंदिर जिस जगह हम खड़े हैं इससे थोड़ा पीछे यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में है। तो मंदिर का नाम था निम्बेश्वर महादेव मंदिर। में मेरे दिमाग में ये सवाल भी था कि ये मंदिर किस नाम से किस जगह लिए पता था, लेकिन हमारे साथी ने अभी बताया तो हमें भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि या ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था भगवान शंकर का, उसी नाम से ये मंदिर है। लेकिन आसपास या जब हम रुके वहाँ धर्मशाला सभी जातियों के अलग अलग देखने को मिली तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो कुछ हैं, तभी तो इतनी सारी धर्मशाला, हर कम्युनिटी की धर्मशाला है तो ये तीर्थ स्थल हम कह सकते हैं। और जब मंदिर जाके तो हमें अच्छा फील हुआ। तो ये थे हमारे साथ में परमाराम जी। और परमाराम जी आपको सुमंदर एक बहुत ही सुंदर इस नए सवेरे के साथ उगते हुए सूरज के साथ एक सुंदर गीत सुनाने वाले हैं। और कौन सा गीत सुनाने वाले हैं ये बस तो पूरा तो याद नहीं है, छोटा टूटा फूटा चलेगा। उड़ता पड़ता आखर तारी दुनिया की सिनारी है, धाई उड़ा रे धा पूरा ने पोषण ली को त्यारी है, अशुड़ा डलका वे देखो सुखी राम सा के तम जम सा, सची सची के मजते लगे डम सा, फुटबा तारा फोड़ा देखो गांधी जी रे देश में। ओह क्या बात है, तो बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। और अब मेरे साथ में है, नाम भूल जाता हूँ मैं आपका, संदीप बिश्नोई। ये संदीप जी है और ये हमारे बहुत से प्रभारी भी हैं, हमारे पोस्ट कार्ड प्रभारी हैं और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ दे रखी है और जवाब भी यात्रा के गुजारू साथी है। क्या कहना चाहेंगे इसकी, आज छठा दिन है यात्रा का और किस प्रकार से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यात्रा का? और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कट रहा है यात्रा, अच्छी कट रही है। और इस यात्रा को हम किस वजह से देख रहे हैं, एक राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए है या लोगों के जनहित के लिए है, क्या लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, सामने देखो फोटो ले लेते हैं आपका। खूबसूरत है तू इतना बताया नहीं। तो ये महादेव जी का स्थान है और हमारे साथी जो है चल निकल पड़े हैं, तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अभी जा रहे हैं जालौर। जालौर जालौर क्यों नहीं जा रहे? जालौर नहीं जा रहे,
बाली तो हो गया, हो गया अब तो जाना। नहीं नहीं बाली हुआ है, बाली थोड़ी हुआ है, बाली हुआ। अच्छा। बाली में तो हमारा स्टेट है। चलो ठीक है, अब जालौर की तैयारी हो रही है और अब हमें पहुंचना है जालौर। और मेरे साथ में है मेरे बड़े भाई भगवती जी। जी सर। भगवती जी क्या लग रहा है, और आज का ये सांडे राव के महादेव के स्थान पर घूमे भी हैं, घूमे भी हैं, क्या लगा? बहुत ही अच्छा था। यहाँ का वातावरण है जो थोड़ी सी ठंड और थोड़ी सी उमस टाइप था, ज़्यादा उड़ोगे तो गर्मी लग जाएगी और कम में आपको ठंड लगेगी। अच्छा वातावरण था, मौसम भी अच्छा है, लोग भी अच्छे, घूमने की व्यवस्था भी अच्छी थी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं जालौर की तरफ और आज करना ही देखते हैं आपको। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, जाए नहीं इधर उधर, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया चीजें मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि आप वो देखेंगे हमारे चैनल पे जो आपने कभी कभी नहीं देखी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए तो देखिए, आप गाड़ी चल रही है और हमारे सही साथी जो है तैयार हो गए हैं और अब बस रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। तो साथियों मिलते हैं अगली स्टोरी में, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरावली इंजन के जो अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोविंद लाल जी वोट, और हम अभी साढ़े राव से रवान या जवाबदेही यात्रा रवाना होकर के जालौर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हम जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस जवाबदेही कानून को पास कराने के लिए इस चैनल वो है ना भगवती जी बता देंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। ओके, हम मेहनत करके दुनिया से जेब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो साथियों ये जवाबदेही रैली है, और इस जवाबदेही रैली के अंदर हमारे तमाम ये देखिए भाई योद्धा और हमारे बुजुर्ग क्रांतिकारी वीर इस रैली में इस यात्रा में सब सम्मिलित हुए। आइए हमारे साथ में क्रांतिकारी नेता जी आगे हैं जिनको कहते हैं नवरत्न जी। हमने नवरत्न जी नाम दिया है, इनको उपनाम दिया है, और वो क्यों दिया है वो आप ही बताएंगे। बताओ। नवरत्न नहीं, नवरत्न ही ठीक है, मतलब नवरत्न जितना मेरे में गुण है। नवरत्न जी आप सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारे ध्यान तो सब एक दूसरे का रखना ही चाहिए, एक दूसरे को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सारी दुनिया का बोझ में उठाता हूँ, इसलिए यारो भूखा ही सो जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और देखें ये जवाबदेही यात्रा जो है, जवाबदेही यात्रा आज सांडे राव से कौन सा दिन है, आज छठा दिन है। हाँ छठा दिन है, और यात्रा सांडे राव से आज रवाना होगी। अभी बस साथी बैठ रहे हैं बस में और गाड़ियों में बैठ रहे हैं, और ये जवाबदेही की मांग पूरे राजस्थान में घूमते हुए 2 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी, और 2 फरवरी को हो सकता है सरकार में अब कानापूसी होने लगी है, हो सकता है 2 फरवरी तक जवाबदेही कानून को पेश कर दे, विधानसभा में पेश कर दे और कानून बन जाए तो बहुत ही बिल्कुल जिंदाबाद आपको, बहुत बहुत जिंदाबाद। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो सभी को जिंदाबाद, धन्यवाद। तो चलते साथियों, बस हमारी तैयार है, और देखो वो उधर नम्रता उधर खड़ी हुई है, और बड़े भाई साहब खड़े हैं, और अब हम जा रहे हैं।